आज हम देखेंगे कि जीलोंग रोलिंग शटर मोटर में क्या क्या आता है। तो अभी जो है ये एक मोटर का अलग से बॉक्स आता है और ये ब्रैकेट सेट है और ऑप्शनल एक रिमोट सेट आता है। तो अब हम लोग इसको खोल के देखते हैं एक बड़े कि क्या क्या आता है। तो अभी ये इस तरह से ये मोटर है, इसके साथ मैनुअल ऑपरेशन का एक चेन आता है कंप्लीट। ये लिमिट स्विच बॉक्स है जो अप डाउन और स्टॉप के लिए, अप डाउन में जहां पे रुकना है उस हिसाब से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ये सिंपल स्क्रू किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके साइड में यहां पे ये गियर सिस्टम दिया हुआ है जो कनेक्ट करके हम लोग मेन ड्राइव चेन ड्राइव को लगा सकते हैं। फिर ये अप डाउन और स्टॉप के लिए एक स्विच दिया हुआ है और ये मेन्स कॉर्ड है 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सिंगल फेज। ये स्टॉप, ये डाउन और ये लिमिट स्विच कैसे सेट करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका लिमिट स्विच सेट कैसे करने का। उसके बाद ये एक इसके साथ मैनुअल भी आता है। फिर हम लोग देखेंगे अभी ब्रैकेट सेट में क्या क्या आता है। ये 600 केजी का ब्रैकेट सेट है, ये नॉन ड्राइव एंड पे लगने वाला ये प्लेट है, इसमें शाफ्ट आएगा। फिर ये ड्राइव एंड के लिए यहाँ पे जो है वो मोटर का शाफ्ट यहाँ पे जाएगा और ये तीन नट पे इसको अटैच करेंगे। फिर ये छोटा शाफ्ट है जो मेन अपना पाइप जो होता है 4 इंच या 6 इंच का जो भी लगाएंगे आप उसमें ये लगेगा। उसके लिए ये तीन रिंग्स भी दिए हुए इसके साथ में, बेयरिंग है, बेयरिंग हाउसिंग है, नट बोल्ट सिस्टम है और ये एक अपने पुश बटन जो है अप डाउन स्टॉप के लिए उसको लॉक एंड की के लिए, इसमें तीन कीज आती है और ये इसके अंदर आपका ये जो अप डाउन स्टॉप है वो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से एक कंप्लीट सेट हो गया। अभी ये तो हो गया आपका पूरा सेट, इसके अलावा ऑप्शनल जो आइटम है वो है रिमोट सेट। तो रिमोट सेट में हम लोग देखेंगे इसमें क्या आता है। इसमें एक रिसीवर है, इस तरह से रिसीवर है, ये डायरेक्ट मोटर से आप कनेक्ट कर सकते हो ये सॉकेट में और उसका भी एक अलग से वीडियो हम लोगों ने बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रिमोट सेट कैसे किया जाता है और कनेक्शन कैसे किया जाता है उसका एक अलग से वीडियो बनाया है। और ये दो रिमोट इसके साथ में आते हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सेट आपको मिलता है।